जो ये 16 का फोर्थ पार्ट। ओके बच्चों, इसको मैं अब तीन बार लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3x-4y-2 और फिर 3x-4y-2। अब बच्चों इसको मैं लिख लेता हूँ आगे 3x, फिर ये आएगा -4y, ये आएगा -6। तो बच्चों कर लेते हैं, 3 9x² -3 4 12xy, 3 2 6x। फिर बच्चों प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा 4 3 12xy, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस 16y², और माइनस माइनस फिर से बच्चों प्लस हो जाएगा 4 2 8y। फिर बच्चों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 2 6 18x, फिर माइनस माइनस प्लस, 6 4 24y, फिर माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 12। तो बच्चों देखिए, अब देखिए क्या क्या लाइक है, एक ये है, एक ये है और कुछ नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक ये है x का, एक ये है x का, और y का क्या क्या, एक ये है, एक ये है। तो बच्चों देखिए सीधे सीधे मैं लिखता हूँ 9x² माइनस, इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 24xy। अब इन दोनों को मैं ऐड अप करता हूँ, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 और 6 को ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 9 10 11 12 13 14 14, और एक ये 24, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस के दोनों, तो माइनस के 24x। फिर बच्चों ये भी हो गया, अब मेरा वाई बचा हुआ है, वाई क्या होगा बच्चों, देखिए वाई होगा मेरा 24 + 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 32y + 16y² + 12। तो बच्चों दिस इज़ माय आंसर फॉर 16th फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे बच्चों 17th पार्ट। तो बच्चों ये हमारा 17th क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, अब इसको मैं दो पार्ट है इसमें, तो मैं इसको इन दोनों से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 4p² - 6pq + 9q² इस 2p को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 4p² - 6pq + 9q² और ये हो जाएगा बच्चों हमारा +3q। तो मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 4 2 8 pq - 12 p² + 18 pq² + 3 4 12 p² - 6 18 pq² + 9 27 q q। तो बच्चों देखिए कुछ कट रहा है, बच्चों देखिए ये कट रहा है, ये पूरा कट गया, और बच्चों ये भी देखो ये भी पूरा कट रहा है। तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 8pq + 27q³। सो दिस इज़ माय आंसर बच्चों। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, ये हम इसको भी दो बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों x² - 1 + 1/x² और फिर मैं x² - 1 + 1/x², तो ये हो जाएगा बच्चों ये x में यहाँ और ये 1/x में +1/x में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा बच्चों x³ - x + x/x², तो एक x² से एक कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा बच्चों x² / x, तो एक x से एक x फिर से यहाँ पर कट गया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/x, फिर प्लस 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 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/x³। तो बच्चों देखिए, ये देखिए बच्चों, ये 1/x का प्लस का है, ये 1/x का माइनस का है, ये कैंसिल आउट, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये भी कैंसिल आउट, तो बच्चों आंसर आएगा हमारा x³ + 1/x³। सो दिस इज़ माई आंसर बच्चों।